इटावा में होली के मौके पर अपने गांव सैफई में होली का त्योहार मनाने आए राम गोपाल यादव ने मन से बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की दुर्दशा हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलवामा हमले में वोट की खातिर भाजपा ने हमारे जवान मार दिए, जब सरकार बदलेगी तब जांच होगी और बड़े बड़े लोग फंसेंगे। आर्थिक रूप से बैंक दिवालिया होने की स्थिति में है, कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है। जो नया हिंदुस्तान बनाने की बात करते थे वो यूपी में एक इंच सड़क नहीं बनवा पाए। देश को बचाने के लिए सपा बसपा में समझौता जरूरी था। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि भाजपा गठबंधन से घबरा गई है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं कर रही है। अब दिल्ली से भाजपा सरकार जाने वाली है। हमने मैनपुरी से नेताजी को चुनाव लड़ाने की घोषणा की तो भाजपा ने मेरा पुतला जला दिया। मैनपुरी में एक भी बूथ नहीं है जिसमें बीजेपी टक्कर दे सके। बीजेपी गठबंधन से घबरा गई है, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। चौकीदार ने कोई काम ठीक किया हो, जब चौकीदार बन के आए थे तो बैंकों का अरबों रुपया कैसे चला गया बाहर, विदेशों में चला गया। कह रहे थे काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबको जमा कर देंगे। वो 15-15 लाख की जगह 15 रुपया नहीं, नेताजी ने पार्लियामेंट में लोकसभा में कहा 1500 ही भेजो हर आदमी के जवान में। मोदी जी, नेताजी आपको मालूम नहीं होगा, आपके नाम की जब मैनपुरी से मैंने घोषणा की तो मेरा पुतला जलाया गया मैनपुरी। मैनपुरी के लोगों ने पुतला जलाया, लेकिन मैनपुरी के किसी नेता ने उसकी आलोचना नहीं की। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। और जिन्होंने पुतला जलाया और जिसके पीछे जो लोग हैं, वे चुनाव हो जाने दीजिए, वे कहीं राजनीति में नहीं रहेंगे। बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है, बीजेपी को हराना हमारा लक्ष्य है। और बीजेपी को हराने के बाद ये कॉम्बिनेशन सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन देश में होगा। जो भी सत्ता होगी उसमें सबसे बड़ी भागीदारी इसी कॉम्बिनेशन की होगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, हो चुका है और अभी तक बीजेपी उत्तर प्रदेश की सीटें घोषित करने में हिचक रही है, ये है नहीं वह भी एक घंटे बाद करने तो वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी ये पार्टी अभी तक अपनी सीटों को डिक्लेयर नहीं कर पा रही। उसको पूरा ये है कि उत्तर प्रदेश गए तो दिल्ली गई, क्योंकि सारे राज्यों में जिस दिन समझौता हुआ सारी विपक्षी पार्टियों ने हम लोगों को सेंट्रल हॉल में मिठाई खिलाई, कहा कि अब चला जाएगा ये, अब नहीं बच सकता। और बोलेगा आपको लाभ होगा तो होगा ही, टीएमसी से लेके दक्षिण भारत तक डीएमके और टीडीपी वगैरह के सब नेताओं ने कहा कि आप लोगों ने ये समझौता करके हम लोगों को और लाभ पहुंचा दिया, क्योंकि अब ये जनता मांगने लगी है सारे देश की। उत्तर प्रदेश से बीजेपी जाने वाली है, इसलिए दिल्ली से उसको हर जगह से जाने वाली है, हटाने से कोई अब रोक नहीं सकता। आप लोग केवल दो प्रेस वाले मुझे माफ करें, आप लोग एक बात दो बातें करिएगा कि टेलीविजन देखना एक महीने के लिए बंद कर दो, दो महीने के लिए कुछ मत देखिए और किसी का ना, क्योंकि ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि जहाँ ये समझते हैं कि हमारी पोलिंग है वहाँ सब पे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाएंगे, और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत दुखी है सरकार से। पैरामिलिट्री फोर्सेस के तमाम जवान बेकार मार दिए गए वोट बढ़ाने के लिए, ये बातें मैं इस वक्त कहना नहीं चाहता, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस के सारे लोगों ने हमसे शिकायत की है, अधिकारियों ने तक, कि हम मांग करते रहे कि हमें हवाई जहाज से भेज दीजिए, क्योंकि जम्मू से या तो हवाई जहाज से जाते हैं या बैली में जैसे ही घुसते हैं वहाँ जो पड़ाव है वहाँ से बख्तरबंद गाड़ियों में जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ जब कोई चेकिंग नहीं थी जम्मू और श्रीनगर के बीच में, पहली बार ऐसा हुआ जब डायरेक्ट हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बसों में सीधी सिंपल बसों में भेज दिया गया, बख्तरबंद गाड़ी जहाँ मिलती थी वहाँ रोकी नहीं गई, सीधी चली गई और लोग मारे गए। तो ये साजिश थी, ये अभी मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जब सरकार बदलेगी, जब इसकी जांच होगी तो आप देखना कि बड़े बड़े लोग इसमें फंसेंगे। ये हमारे नौजवानों की जाने दिलवा दी और वोट पाने के लिए, उसको वोट का इशू बनाने के लिए। आपने देखा होगा कि शहीदों की लाशें आ रही थी,
और बीजेपी के नेता और एक पे तो हमारे पास वीडियो है जिसमें मुख्यमंत्री उनके साथ बैठे हुए लोग हंस रहे थे गैस बॉडी बगल में। इतनी शर्मनाक बात तो इतने ये जो लोग हैं इतने मारीच है मारीच, ये कब बदलने अपना स्वरूप कुछ नहीं कह सकते। सोने का हिरण तो होता नहीं था लेकिन मारीच सोने का हिरण बन गया और गेरुआ वस्त्रों में ही सीता जी का हरण हो गया। जिसमें हरण हुआ सीता का वो भी जोगी बाना था। इस जोगी बाना से सावधान रहने की जरूरत है और इसको बिल्कुल बेदखल कर दीजिएगा। इसको सत्ता चलाने का सबूत नहीं जो लखनऊ बैठा हुआ है। बस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए नेताजी केवल नॉमिनेशन करने आएंगे, आप लोगों पर जिम्मेदारी है कि हर बूथ को स्वयं देखें। नहीं आप ये कहने लगा था हमें गाड़ी दे, हमें ये तो नेताजी कहां से देंगे गाड़ी, इनके पास कहां से पैसा आया। जो नया हिंदुस्तान बनाने की बात करते थे वो उत्तर प्रदेश में एक इंच सड़क नहीं बना पाए, कोई काम नहीं कर सके। पैसा कहां से आया कहां गया ये पता ही नहीं चलता है। इसलिए देश को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक। कई बार लोग सवाल करते हैं कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने समझौता क्यों किया। देश सबसे बड़ा है, देश को बचाने के लिए ये समझौता बहुत आवश्यक था, आवश्यक था। आप जानते हैं कि बीजेपी धीरे धीरे सारी राज्य स्तरीय पार्टियों को और नेशनल पार्टियों को भी पूरी तरह खत्म करने की साजिश कर रही थी। लोकतंत्र में तानाशाही को लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इसका हटना बहुत जरूरी है। और ये जो गठबंधन है, आपको याद है कि जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था तो नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने, तब हमारी पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी, बाद में नेताजी ने इसको बहुत बड़ा जन समर्थन प्रदान किया। दोनों छोटी पार्टियां थी, दोनों मिलके लड़े। बीजेपी वाले समझते थे कि हमने तो बड़ा शौर्य का काम किया है, बाबरी मस्जिद गिरा दिया, हम तो जीत ही जाएंगे। तो सरकार बना ली थी कि नहीं, नेताजी चीफ मिनिस्टर बने उस स्थिति में। अब तो 60% से ज्यादा वोट है सपा बसपा का और मैनपुरी में तो ये सबसे ज्यादा 75% है। इसलिए सबसे ज्यादा वोटों से जीत मुलायम सिंह यादव की होनी चाहिए मैनपुरी। एक बूथ भी ऐसा नहीं है, अगर आप लोग चाहें एक बूथ भी जिसपे बीजेपी एक तिहाई वोट भी पा सके, एक बूथ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं से जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि वे नेताओं के चक्कर न लगाते रहें, अपने बूथ को अपने सेक्टर को देखते रहें। और ये मत कीजिए नेताजी, आपको मालूम नहीं होगा आपके नाम की जब मैनपुरी से मैंने घोषणा की तो मेरा पुतला जलाया गया मैनपुरी। मैनपुरी के लोगों ने पुतला जलाया लेकिन मैनपुरी के किसी नेता ने उसकी आलोचना नहीं की। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना।